अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दिल से दुआ है कि जहाँ भी हो खुश हो और हंसते मुस्कुराते हो। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मेरा कुछ मीठा खाने का मूड हुआ हुआ है, तो मैंने ये इसके ऊपर बड़ी इजी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मीठे की। ये 1 लीटर दूध है जिसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया चूल्हे पे, और यहाँ पर मेरे पास ये 1 कप सिवैया है, ये जो आम बारीक सिवैया होती हैं ये, और ये मेरे पास खुश पाउडर सूखा दूध है, 2 टेबल स्पून है ये, और ये 1 चाय का चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर है, या आप ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची भी ले सकते हैं। अगर इलायची पाउडर ना हो तो 3-4 इलायची आप डाल सकते हैं। और ये मेरे पास चीनी है तकरीबन 5 टेबल स्पून, और ये मेरे पास मैंगो रखे हुए थे, 2 मैंगो थे ये, मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। इससे हम ये अच्छा सा एक बड़ा क्विक मीठा जो है वो रेडी करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये सिवैयाँ डाल दूँगी अपनी, और इसको मैं पकाती हूँ सिवैयों को दूध में। तो साथ आपके एक बड़ा खूबसूरत सा दुरूद है वो भी मैं शेयर करती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي على رسولنا صلي على محمد صلي على शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला हबीबेना सल्ले अला मोहम्मदिन अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये सिवैयाँ डाल के मैं इसमें पकाऊंगी, साथ ही मैं अब इसी में मैं ये अपना खुश्क दूध और ये इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये लम्स ना रहे हैं तो इस तो अच्छी तरह आप इसको हिलाते रहें साथ साथ। ये अमूमन ये चीज़ें हमारे पास घर में भी मौजूद ही होती हैं, तो सबसे आसान मीठा है जल्दी बनाने वाला। अच्छा, इसको मैं पकाऊंगी और साथ ही इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर चीनी भी डाल दूंगी, और इसको अच्छी तरीके से कम 5 से 10 मिनट तक मैं इसको, जब तक कि मेरी सिवैयाँ अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए, तो मैं इसको पका लेती हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, असेंबल कैसे करना है इसको, मैंने डिश आउट करके वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ये देखें, पहले मैंने कहा आपको गुलगुल से मिलवा दूं, ये बैठी हुई है अपनी बास्केट में। ये आजकल ये काफ़ी आराम कर रही है, और इसको बाहर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं निकालती हूँ कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो
रूम में, लाउंज में, सब जगह फैन ओपन होते हैं, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए चलें किचन में चलते हैं। हमारा मीठा जो है फाइनल स्टेज पर आ गया है। ये देखें, ये ठंडी हो गई सेवइयाँ, मैंने डिश आउट कर ली है। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये अपने इसमें मैंगो मिक्स कर देना है, और मैंगो की आपकी चॉइस है, आप कम डालें ज़्यादा डालें, आपकी मर्जी है। ये इसमें मिक्स कर दूंगी मैंगो, और इसके ऊपर मेरे पास ये किशमिश थी, ये मैंने धो के साफ कर ली थी, ये मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी इसके साथ। ये देखें क्विक सा मीठा रेडी है, और इसके बाद मैं इसको प्लास्टिक से रैप करके और फ्रीज़र में ठंडा करने रख दूँगी, तो बहुत मज़ेदार लगेगा ये खाने में। ये देखें आप, और आज मैंने ये खाने में भी बस आसान सी डिश बनाई थी, आलू की कतलियाँ। ये इसकी लुक देखें आप, तो आज मैंने दोनों काम ही बड़े आसान से किए, मीठा भी आसान और खाने में भी आसान सी डिश। तो अगर ये मेरी स्वीट डिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।